निकाल देते हैं, देख सकते हैं एकदम शक्कर जैसे इसका कलर है। तो खुलने में दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी ताकत। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है पुनः से वापस एक नए वीडियो में, मतलब ये अपना आसियाना है। तो थोड़ा सा आज मेरा काम है इसमें, और हम लोग काम करेंगे अपना जो पुराना काम करते थे, क्योंकि मम्मी है नहीं घर में, और मम्मी तो थी तो मम्मी भी नहीं है घर में, हमने पिछले वीडियो में बता ही चुका है मम्मी भी नहीं है घर में। तो आज सारा सुबह का जो काम है हम ही लोगों को करना पड़ेगा, जो बर्तन धुलना और किचन का सफाई उफाई करना सब हम ही लोगों के ऊपर है। तो आज फाइनली हम दोनों भाई हैं, आज हम ही दोनों भाई करेंगे और दिखाएंगे कि हम लोग लड़के होके भी उस काम को करते हैं, और वो तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी भाई थोड़ा हाथ बटा रहा है, बर्तन वर्तन अंदर से निकाल निकाल बाहर कर रहा है, तो हम भाई से भी बात करवाएंगे। और फिलहाल आज का वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है मज़ेदार से, ये तो सीरियसली है, कोई फनी वीडियो नहीं है इसमें। ये अपने भाई है, भाई हम लोग ये काम कब से कर रहे हैं? हम लोग जब छोटे थे, बहुत छोटे थे तब से कर रहे हैं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा काम करूँगा, मतलब कौन सा काम, मेरा काम है अभी मैं किचन का सफाई फाई करूँगा, झाड़ू तो लगा लिया हूँ, अभी वहाँ पोताई भी करना है। तो फाइनली वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाएंगे और भी ऐसे झाड़ू वाड़ू है बहुत वगैरह वगैरह, बर्तन धुलना सारा काम आज हम ही लोगों के ऊपर है। मज़ा आता है काम करने में, रोज़ का काम रहा। पोताई वाला बर्तन है, इसी में ये मिट्टी डला है और पोतने वाला है। तो भाई कैमरा पकड़ेगा और हम पोताई करेंगे, क्योंकि भाई को हैंडल करना पड़ेगा ना कैमरा, तभी तो कर पाएंगे हम लोग। तो गाइस हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं इसको हम लोग चूल्हा बोलते हैं, चूल्हे ना बोलते हैं भाई, ये हम लोग चूल्हा पोताई कर रहे हैं। हमको पोतने आता है, और तुमको तुम पोत लेते हो भाई? हाँ, कब से पोत रहे थे? क्योंकि बचपन में हम लोग एक चीज कर किए हैं ना, इसलिए हम लोगों को मालूम है। इसमें कोई शर्माना नहीं, अपना काम है इसलिए शर्माते नहीं है हम। ये तो घर का काम, इसमें क्या शर्माना है। जल्दी जल्दी से हम पोत लेते हैं इसको, और फिर आगे काम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ये किचन है, वो चूल्हा है इधर, ये दो चूल्हे हैं, एक ये गैस से बनाने वाला खाना का वो गैस सिलेंडर है, इधर हम लोगों का बर्तन रखने वाला सामग्री है, इधर सब्जी वब्जी रखते हैं। पास से दिखा दो एक बार तो अपना किचन कैसा हम लोग सजा के रखे हैं। ये इसमें सब्जी वब्जी रखते हैं, और इधर बर्तन वर्तन रखने वाला है। अभी तो फिलहाल है चाय का कप है, और ये बर्तन पूरा बाहर निकाल दिया गया है। यही है अपना किचन। जिन लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइनली हम लोग अभी पोत ओत के ये कंप्लीट कर दिए, अब ये लास्ट चल रहा है। अब ये द्वार पर हम लोग पोताई कर दे रहे हैं, ताकि इधर अच्छा लगे। पूरा नहीं करेंगे बस, क्योंकि इतना बड़ा घर पोतने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों भाई? तो फिलहाल हम इतना कर दे रहे हैं, किचन अपना एकदम साफ हो गया, अब झाड़ू बस लगाना है। तो फिलहाल अब दरवाजा है, हम लोग दरवाजा बोलते हैं उधर बगल वाला, और इसको रख देते हैं। इधर बर्तन भी है, इस बर्तन को भी धुलना है अभी, इसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा, 5 मिनट। फिलहाल हम लोग झाड़ू लगाने जा रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगा लेते हैं। नहीं देता होगा क्योंकि अंधेला है। इधर दो बाइक है, ये पापा जी का है और एक मेरा बाइक है, सारे कबाड़ हो गए। आप लोग सपोर्ट करिए भाई, नया गाड़ी आया यार, ये तो बहुत पुराना हो गया, गाड़ी चढ़ने में मजा नहीं आता, नॉर्मल गाड़ी है। झाड़ू लगा लेते हैं, अभी काम में लग गया है, बर्तन धुल रहा है।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए अरे सारा बर्तन है, ज़्यादा है नहीं, अपना छोटा परिवार है। हम लोग दो ही लोग थे ना कल, तो खाना वाना सिर्फ दो ही लोगों का बना था, इसलिए ज़्यादा बर्तन है ही नहीं। एक कुकर है और दो चार थाली है। तो फिलहाल आज बने रहें और हम लोग बहुत ये बर्तन बाहर फेंका हुआ है सुरक्षित रखने। तो अब हम लोगों का गौ पूजा बचा है और लास्ट में इसके बाद खाना है। तो अभी फिलहाल ये गौ पूजा है तो इसका गोबर ओबर है फेंक लेते हैं। तो भाई उठा रहा है ये गोबर ओबर फेंक रहा है, क्योंकि इधर सूर्य भगवान भी आ गए हैं ऊपर। समथिंग 7-8 बज गया होगा है ना। हाँ 7 बज गया है। तो भाई अभी गोबर उठा रहा है और मैं तो कैमरा पकड़ा हूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, और एकाक उठा के रख देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, हमको छूने में दिक्कत थोड़ी है, हम भी छू लेते हैं। देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, इनकी पूजा में बहुत बड़ी ताकत यह है ना, उनके क्या बोलते हैं बछड़ा, इनको छोड़ दिया हूँ दूध पीने के लिए, ये दूध पी रहे हैं दोनों, दो है ही है गाय। और इनका गोबर फेंकने के बाद इनको भूसा भी देना पड़ेगा, इनका भोजन, तब तो खाली हो पाएगा हम लोगों का काम। और फिलहाल जल्दी जल्दी से कर लेता है भाई। अभी खेतों में आ गए हैं, ये अपना धान का खेत है, घर और का काम करके ना अपन इधर आ गए। अभी डालना है इसमें यूरिया खाद, क्योंकि इसका कलर अभी नहीं चेंज हुआ है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा हो जाए, नहीं तो फिर खाने के लिए चावल नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल ये बोरी में हम लाए हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं, देख सकते हैं एकदम शक्कर जैसे इसका कलर है। शक्कर से अगर मैचिंग करेंगे ना तो ये बिल्कुल नहीं चेंज दिखता है। और फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं और पूरा डालेंगे इसी खेत में। तो हम डालने जा रहे हैं, भाई कैमरा पकड़ा है, जल्दी से हम लोग डाल लेते हैं। हे गाइस, देख सकते हैं कि यूरिया किस तरह डाला जाता है, ये हमारे बड़े भैया डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए डालने का एक तरीका, तो दोस्तों अभी हम काम वाम करके एकदम खाली हो गए हैं। फिलहाल मेरे सामने अभी खाना बन के आ चुका है, भाई बनाया है खाना, रोटी सब्जी बनाया है, बरबटी की सब्जी है और आलू है, और उधर पानी रखा हुआ है। तो आप लोग लीजिए और हम भी खाते हैं।